नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। आगामी त्यौहार के मद्देनजर बक्सवाहा थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्व समाज के लोग, पुलिस, नगरीय प्रशासन, पत्रकार मौजूद रहे। बक्सवाहा थाना प्रभारी आशुतोष श्रोत्रे के द्वारा आगामी त्यौहार को लेकर थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में बक्सवाहा थाना प्रभारी ने आगामी त्यौहार ईद को लेकर कहा कि ईद के त्यौहार में सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है। नमाज अदा करते समय सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। साथ अधिक लोग इकट्ठे नहीं करना है। बक्सवाहा तहसीलदार त्रिलोक सिंह पोशाम ने कहा कि सभी लोग शांति और सद्भावना से त्यौहार मनाएं। फहीमुद्दीन खान, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, बक्सवाहा। यहाँ का त्यौहार मनाया जाएगा, इसमें मुस्लिम बल्कि सभी लोग जो है ईदगाह या मस्जिदों में नमाज अदा करें, क्योंकि इस साल बीमारी फैल रही है, इससे बचना जरूरी है, क्योंकि जान है तो यहाँ गाइडलाइन है, उसके मुताबिक जो है नमाज अदा की जाएगी। मस्जिदों में नमाज पढ़ें, त्यौहार ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।